पूरे बलूचिस्तान को हम सेकेंडों में बंद करने की ताकत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे इंटेलिजेंस इदारे माशाल्लाह दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस इदारे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके आंखें यहाँ पे बंद हैं। चोर हमारे हवाले कर दिया, खुद सजा दे दे, हमारा जो लूटा गया माल और दौलत है यह हमें वापस किया जाए, यह हुकूमत हमें मुआवजा दे इसके बदले में। कलात, मंगुचर, कड़कुचा, ये सारे कबाइल यहाँ पे रहते हैं और हम कबाइल एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं कि कौन चोर है, कौन इज्जतदार है, किसने कितना खुर्दबुर्द किया है और किसी का माजी क्या है, ये सबको पता है। एक लेवीज के सिपाही को पता है कि कौन चोरी कर रहा है, एक पुलिस के सिपाही को पता है, ये SHO रिसालदार, मेजर रिसालदार वगैरह, ये तो दूर की बात है। एक लेवी सिपाही को पता है कि कौन चोरियाँ कर रहे हैं। क्वेटा शहर में गुज़श्ता 20 दिनों में कोई 11 वाकियात हुई हैं जो कि करोड़ों रुपया ताजरों से दिन दहाड़े लूटे गए हैं, मगर बदकिस्मती से आज तक किसी एक भी चोर डाकू गिरफ्तार नहीं हुआ है। रहीम आगा सदर अंजुमन तजराम बलोचिस्तान। गुज़श्ता 1.5 माह से कराची टू क्वेटा कौमी शाहरा पे दिन दहाड़े ताजरों के ट्रकों को लूटा जा रहा है, उनसे माल खाली करके खाली ट्रक को सड़क किनारे खड़ी करके लोग गायब हो जाते हैं। FC लेवीज पुलिस के मोज जफर मोज में। इसके अलावा क्वेटा शहर में गुज़श्ता 20 दिनों में कोई 11 वाकियात हुई हैं जो कि करोड़ों रुपया ताजरों से दिन दहाड़े लूटे गए हैं, मगर बदकिस्मती से आज तक किसी एक भी चोर डाकू गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो ये हमारी जो पुलिस हैं या इंतज़ामिया है किस चीज़ की तनख्वाह ले रही है और सूबाई हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उस सिलसिले में आज हमने हुकूमत को डेडलाइन दिया था कि अगर 31 अक्टूबर तक हमारे मुतालबात तस्लीम न हुए और इन वाकियात में मुलविस चोर डाकू गिरफ्तार न हुए और हमारे माल को बरामद न किया गया तो हम लखपास के मकाम पर धरना देंगे। आज इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने धरना दिया हुआ है अंजुमन ताजराम बलोचिस्तान ने, और हमारे साथ इस ये मुल्क हमारे टैक्सों से चल रहे हैं उसके बावजूद भी हमारे साथ इतना सरेआम जुल्म, इतनी सरेआम जुल्म हो रही हैं। और हमने चूँकि हमारा कानूनी और आइनी हक है इतिजाज करना, इसी सिलसिले में आज आए हुए हैं ताकि ये जो जिनके कानों पे जिनके आंखों पे पर्दे हैं वो ताकि सुल सके और उन तक हमारी ये जो मुतालबात हैं हमारी जो फरियाद है ये पहुंच सके। जी बा पार्टी अलग बात है, बा पार्टी का, बा पार्टी में अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, इसमें कि ये तमाम जो लोग खड़े हैं मुख्तलिफ पार्टियों के लोग खड़े हैं, ये पार्टी से बालातर एक चीज़ हो रहा है। तो फिर बा पार्टी वालों को तो मैं क्या बताऊँ, वज़ीर दाखला हमारे पार्टी का है, क्या फिर वो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि आप सही काम करें हम आपकी हिमायत करेंगे, आप गलत काम करोगे हम आपकी मुखालफत करेंगे। मैं अपने घर से कहता हूँ, बा पार्टी घर से नहीं कहता हूँ, बेशक बा पार्टी हमारी पार्टी है और मैं फख्र करता हूँ कि मैं बा पार्टी में हूँ, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो हम गलत को गलत और सही को सही कहेंगे ये हमारा ईमान कैसा है। अब तक किसी ने यकीन दहानी कराई है कि मुजरिमान को पकड़े जाएंगे या कोई इंकशाफ अभी तक हुआ है? हमें यकीन दहानियों पर भरोसा नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों ने करवाए हैं, लेवीज के, पुलिस के, दिगर लोगों के, चोर हमारे हवाले कर दिया, खुद सजा दे दे, हमारा जो लूटा गया माल और दौलत है यह हमें वापस किया जाए, यह हुकूमत हमें मुआवजा दे इसके बदले में। इनके टेंकियों से पैसे बरामद होते हैं करोड़ों खरबों रुपये की खुर्दबुर्द करते हैं, एक वजीर आते, एक मेंबर सूबाई असम्बली रक्षे में आता है, बाद में वो जाते हैं ZX में, इनके बाग के बाप लगे हुए हैं, कहाँ से इन्होंने इतने पैसे कमाए हैं।